एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये दिवाली स्पेशल आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स है। दिवाली स्पेशल इसलिए क्योंकि हम दिवाली के दिन देख रहे हैं, आज दिवाली का पहला दिन है। आज हम लोग देख रहे हैं कि उनकी भावनाएं क्या हैं। बहुत ही स्पेशल डे है उन लोगों में। बहुत लोग जो है वेट कर रहे होंगे कि मैसेज आएगा नहीं आएगा, कॉल आएगा नहीं आएगा, आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ आइडिया नहीं। तो ये रीडिंग आप लोगों के पार्टनर की डीप फीलिंग्स और एक्शंस दोनों को कवर करेगा, साथ ही आपकी इमोशंस को भी मैं चेक करूंगी, आपके भी इमोशंस क्या है इस व्यक्ति को लेकर। और यस, ये पिका कार्ड रीडिंग है, आप सभी की फेवरेट है और कहीं ना कहीं टैरो रीडिंग ही होगी, ठीक है। पिका कार्ड रीडिंग है आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार, ध्यान रखना आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार, आपके पार्टनर के नाम के नहीं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। जिन लोगों को रेमेडीज वगैरह ज़्यादा समझ में आती है, कुछ उपाय करने होते हैं, वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम के कुछ वीडियोज़ डेफिनेटली यूट्यूब पर डाल रही हूँ, पर सारे नहीं, कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। और वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करो, बिंदास चिपका दो, ठीक है। सो लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे हम अपना काम। जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। और साथ ही साथ ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। थीटा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप भी मैं बोलने वाली हूँ वो है हैप्पी दिवाली आप सभी को, मेरे तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स और प्यार आप सभी को। उम्मीद करती हूँ ये दिवाली आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगी, ऑस्पिशियस रहेगी, आप हैप्पी रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। कुछ भी हो जाए यार, बंदा आए ना आए, या चीज़ें हो या नहीं हो, आप अपने एनर्जीज को इफेक्ट मत होने देना, जितना हो सके पॉजिटिव रहने का प्रयास करना, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है। लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है, जो अलग अलग धर्मों के हैं यार उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति इस दिन को स्पेशल और ऑस्पिशियस मानकर ही चले, पॉजिटिव रहने का प्रयास करें। किसी भी वजह से नेगेटिव मत होना, घर में कलेश मत लाना, किसी वजह से झगड़ा मत करना, मूड स्विंग्स भी मत लाना, ठीक है। और यस, अगर आप लोगों को मनी अबंडेंस के लिए कुछ चीज़ें लाइक समझ में नहीं आती, कॉम्प्लिकेटेड लगती है, अलग अलग धर्म की चीज़ें आपको फॉलो करना मुश्किल लगता है, ये रेमेडी वो रेमेडी फलाना हमका ढिकाना, तो यस आप लोग मेरी तरह ब्रेसलेट पहन सकते हो। मैंने जो है ये मनी और फाइनेंस के लिए पहना हुआ है, गुड हेल्थ अच्छी सेहत के लिए, और यहाँ पे मनी और फाइनेंस के लिए मैंने ये वेयर किया है। आप अपने लिए भी डिज़ाइन करवा सकते हो। अमित सर का नंबर मैंने ऑलरेडी दे दिया है, उनको व्हाट्सअप करो, आपको उनकी टीम कोऑर्डिनेट करेगी। आप चाहिए तो मेरा फोटो, एक मिनट मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, आप चाहिए तो मेरे हाथ का फोटो क्लिक करके भी उन्हें भेज सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, उन्हें बता सकते हैं कि मुझे ऐसा ब्रेसलेट चाहिए। सर ये आपके करियर अबंडेंस मनी के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए और आपकी एक अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। आप हो सके तो खुद भी पहने और परिवार को भी पहनाएं, इससे काफ़ी फायदे होते हैं, ठीक है। सो उन्हें कॉन्टैक्ट करने के लिए उनका नंबर आपको मिल जाएगा ये वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में व्हाट्सअप नंबर शेयर किया है, ठीक है। इस समय मेरे नाखून पे ध्यान मत देना, मुझे टाइम नहीं मिला, बहुत ज्यादा काम था दिवाली का, ओके। सो चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे हम अपना काम अपनी रीडिंग पे। सो सबसे पहले पाइल नंबर 1 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन देखेंगे इनकी लाइफ में, इनके पार्टनर के साथ। पहले उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, फिर इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन इनकी फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है, आज की करंट फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए इनकी फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ वॉन्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओके यूनिवर्स मुझे इनके पार्टनर की बताएं फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स इनके पार्टनर की, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन। अगर आप लोगों को पानी की आवाज़ आ रही है तो वो मैंने वाटरफॉल ऑन करके रखा है, इसलिए आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे, एक सेकेंड। इनके पार्टनर की फीलिंग्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, इनके पार्टनर जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, इनके लिए करंट फीलिंग्स, करंट डीप फीलिंग्स, करंट डीप फीलिंग्स। दी मून, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें प्लीज। द स्टार, टेम्परेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स द मून की एनर्जी को क्लारिफाई करें, मून की एनर्जी को क्लारिफाई करें। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्शंस क्या है, नेक्स्ट एक्शंस क्या, दिवाली पे 3 दिनों के भीतर
ये कोई एक्शन लेंगे या इनके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे नेक्स्ट थ्री डेज के अंदर क्या कोई एक्शन लेंगे इनके पार्टनर? दी वर्ल्ड, एट ऑफ कप्स, प्लीज क्लारिफाई दी वर्ल्ड. King of Cups, Four of Swords, Nine of Swords. Okay. So यार किस्सा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से सुनना. ओके सबसे पहले मैं साइंस शेयर कर लेती हूँ आप लोगों की. साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. आपके पार्टनर की साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ठीक है, कुछ लोगों के सेम साइन हो सकते हैं, मतलब आपके पार्टनर और आपके साइन जो है ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं, राशि या मून साइन या सन साइन कैसे भी, मतलब सेम हो सकते हैं. बर्थ नंबर 5 और 8 और 3 इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, 24 या 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में ना आप कोई डिसीजन लेने के प्रयास कर रहे हो इस दिवाली के ओकेशन पे. ठीक है, मैं नो कांटेक्ट वालों की बात कर रही हूँ. ठीक है, नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ वाले भी देख सकते हैं, मैं स्पेशली उनके लिए ये रीडिंग कर रही हूँ. ओके, सो यार सीधी सीधी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कोई डिसीजन लेने की तैयारी कर रहे हो आपके आज के दिन पर और आने वाले जो अगले 2 दिन हैं उस पर आप कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हो. यानी कि जो व्यक्ति, जो लोग आपके जीवन में सिर्फ प्रॉब्लम्स और इश्यूज और स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं, आप उनको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करने के लिए रेडी हो. इस समय आपके अंदर ओवरथिंकिंग मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है किसी चीज़ को लेकर, मे बी पुरानी कोई पास्ट की बात, कोई पुरानी मेमोरी, या शायद जब साथ में एक दिवाली मनाई थी वो समय, या एक ब्यूटीफुल मोमेंट जो उनके साथ आपने बिताया था वो आप याद बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसकी याद में बैठना नहीं चाहते. आप कहीं ना कहीं वेटिंग पोजीशन पे नहीं रहना चाहते, आप काफ़ी एक्टिव और हलचल देते हुए नजर आ रहे हो. यानी कि आप खुद को ऑक्यूपाइड कर रहे हो और बिजी कर रहे हो, और ये एक चैलेंज जैसे आपने अपने आप से ले रखा है कि ये नेक्स्ट 3 डेज में इसने मैसेज किया तो ठीक, बात की तो ठीक, वरना अब इस इंसान को मैं अपनी ज़िंदगी से कटआउट कर दूंगी पूरी तरह से, या कटआउट कर दूंगा, और मुझे ये इस इंसान की शक्ल भी देखने से एतराज़ है. कुछ लोगों के लिए अभी रिसेंट पास में कुछ ऐसा गुजरा है या घटित हुआ है आपकी पार्टनर की तरफ से, कोई ऐसे बोल उन्होंने बोल दिया आपसे, कोई ऐसी बात कर दी, या कोई ऐसी हरकत, या कंटिन्यू बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट, और आपने कोशिश की कि सिचुएशन बेहतर हो जाए, लेकिन बजाय सिचुएशन बेहतर होने की इन्होंने आपके लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ा दी. यानी कि कुछ ऐसा बोल दिया, कर दिया जिससे आप बहुत अपसेट हो गए, जिससे आपने रिसेंट पास में ऑलरेडी इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है. ऑलरेडी आपने इनको रिटर्न में ब्लॉक करके अपनी ज़िंदगी का किस्सा, बोलते ना इनके साथ सारे चैप्टर्स क्लोज कर दिए हैं. क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप तंग हो चुके हो इस ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप से, या नो कॉन्टैक्ट रिश्ते से आप बुरी तरह तंग हो चुके हो, आपके अंदर पेशेंस अब ख़त्म हो चुका है. अब आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अब मैं ये 3 दिन भी देख लेती हूँ, और जिन लोगों ने रिसेंट पास में किया वो भी, अगर रिसेंट पास्ट में भी आपने किया तब भी आप ये 3 दिन को चैलेंज लेकर बैठे हो कि देखो अभी देखना ये है कि ये बंदा या बंदी क्या एफर्ट डालते हैं, क्या ये दिवाली पर ये कुछ करने का प्रयास करते हैं, क्या ये आपको खुश करने के लिए कुछ करते हैं. सिर्फ मैसेज में आप इंटरेस्टेड नहीं हो कि आपको हैप्पी दिवाली का कोई मैसेज आ जाए या मेल आ जाए, आप उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो. आपका सीधा एजेंडा ये है कि भाई देखा जाए अब इस बंदे के या बंदी के आपकी तरफ एफर्ट क्या है, कि आप ही आप इनके पीछे भाग रहे हैं. क्योंकि अब आपके अंदर में एक हाई लेवल का कंट्रोल है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ना मानो आपने एक चैलेंज ले लिया है कि भाई अब देखा जाए, बस हो गया, बहुत ज़्यादा इसके पीछे भागे हैं, अब इसको अपने ज़िंदगी में दौड़ाना पड़ेगा अपने पीछे. अंदर एक जैसे गुस्सा, जुनून और इरिटेशन है, जैसे कि ऐसा लगता है कि बस हो गया, ये रिश्ता मेरे लिए इरिटेशन बन चुका है, और इस रिश्ते का कोई बड़ा फैसला मुझे लेना ही पड़ेगा. मैं इस इंसान को बार बार खुद को यूज़ करने नहीं दे सकती या नहीं दे सकता वाला अंदर आपके एक अंदर आक्रोश है. जैसे कि आप बोल रहे हो कि ठीक है बहुत हो गया यार, इस बंदे ने बहुत आपको डिसरिस्पेक्ट किया, इंसल्ट किया, या बातें कर ली, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किया, या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की, आप थक गए हो, आपके लिए हो गया कि इनफ इज़ इनफ, दैट्स इट, बहुत हो गया तुम्हारा करके, अब मेरी बारी, अब मैं बताती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है. आपकी सिचुएशन में आप अब इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए एकदम बोलते ना गेट सेट गो की सिचुएशन में हो, जहाँ पर रनिंग चल रही है, एक रेस के मैदान पे आप खड़े हो और आप बस बोल रहे हो गेट सेट गो, 1 2 3 बोलो और गेट सेट गो, और आप तेज़ी से भागोगे, फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे. बट ये गेट सेट गो ना 1 2 3 जो हो रहा है ये आपके डेज है, 1 2 3 चलो लेट्स सी ये बंदा, क्योंकि ये बंदा और बंदी आपके जीवन में अगर दिवाली के बाद आते तो आपके लिए बिल्कुल महत्व नहीं रखता. आपको लगता है कि नहीं, सारे ओकेशन खराब करने का अधिकार इनको आप बिल्कुल नहीं देते. आपका जन्मदिन हो, आपकी होली हो, आपकी तीज हो, ये व्यक्ति अक्सर खराब करे ऐसा मुमकिन नहीं है. आप ये राइट किसी को नहीं देते,
इस समय आपके अंदर का एक ऐसा गुस्सा, एक ऐसा इंसान जाग चुका है जो कहता है कि ठीक है अब देख लेंगे कितना तुम पानी में हो। अगर तुम्हारे अंदर से इतना भी नहीं हो पाया कि तुम इधर एफर्ट डालो तो तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए मैं एफर्ट क्यों दूँ। यानी कि जैसे आप अंदर से बहुत ऐसे हो गए हो कि नहीं अब बस दैट्स इट, आपके रिलेशनशिप में आप अपने जीवन में नई शुरुआत करने को तैयार हो, आप इनको पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर रहे हो, आप इनको ब्लॉक करना चाहते हो, आप इनको भाड़ में जाओ मतलब बोलना चाहते हो और आप इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हो और आप अपने जीवन में अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, अपनी ज़िंदगी के आने वाली ग्रोथ पे फोकस करना चाहते हो। यहाँ पर मुझे सेविंग, इन्वेस्टमेंट, घर बनाना, प्रॉपर्टी बनाना, अपने जीवन में कैसे और ज़्यादा प्रमोशन हासिल करनी है, कैसे और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, इसको लेकर आपके अंदर पैशन जागता हुआ दिखाई दे रहा है, एंथुजियाज्म जागता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपके अंदर एक ऐसा गुस्सा आ चुका है जिसमें आप रुकना ही नहीं चाहते, आपको लग रहा है कि बस इस दुनिया ने आपकी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हालत ख़राब की है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, बहुत बार दिल दुखा, बार बार हर्ट हुए, लेकिन दिस टाइम आप किसी के लिए नहीं रुकना चाहते, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं जो नेगेटिव है निकल जाओ, जिसको रहना है मोस्ट वेलकम, जिसको नहीं रहना है निकलो अभी के अभी निकलो, तुमको फिर आगे भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इस समय सिर्फ आप वेट एंड वॉच की चैलेंज में बैठे, बट दैट डजंट मीन कि आप अपना काम नहीं कर रहे, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप जो है अपने काम में बहुत ज़्यादा और पावर और एक लगता है जैसे कि आपने रेडबुल पीकर काम करना शुरू कर दिया, ऐसी एनर्जी में हो। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप ड्रिंकिंग ज़्यादा कर लेंगे या आप जो है उल्टा सीधा खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस समय आपको अंदर गुस्सा है जिससे ऐसा लग रहा है जी मानो आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं यार मेरे को तो नहीं रुकना है, कुछ भी हो जाए मेरे को नहीं रुकना है, मैं अपने जीवन में मुझे जो करना है मैं करूँगी, बट ये 3 दिन में मैं सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ करूँगी, लेकिन उसके बाद जो मैं उतरूँगा मैदान पर या उतरूँगी बस, फिर उसके बाद मुझे पीछे नहीं मुड़कर देना है। आपने फिटनेस जो करनी है वो आप जो है दिवाली के बाद ठीक करना शुरू करेंगे, अपनी फिटनेस रिजिम को, डाइट को, रूटीन को, आप अपने जीवन को खुलकर जीना चाहते हैं इस अगले 3 दिन में, आप उदास नहीं होना चाहते किसी भी व्यक्ति के कारण, आप किसी भी इंसान को लेकर आप रोना नहीं चाहते, अपसेट नहीं होना चाहते, बट यस आप आंखें टिकाकर बैठे हो कि एक गलती आपके पार्टनर से हो, बस एक वो गलती, एक मिस्टेक हो जाए और आप उनको बोले गेट आउट, निकलो बहुत हो गया तुम्हारा, निकलो तुमको प्यार दिया, तुमको प्यार समझ में नहीं आया, तुम लायक नहीं हो, तुम निकलो। आपके अंदर इतना गुस्सा कहीं ना कहीं अंदर से मुझे दिखाई दे रहा है। आप अब सेफ चलना चाहते हो, अब आप चाहते हो कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अब आप उन पे इंटरेस्ट नहीं देना चाहते हो, क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपके साथ आज नहीं है तो कल भी नहीं है, ऐसा आपका सोचना है। ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर इस व्यक्ति ने पैदा किए हैं, पास्ट में ऐसी सारी क्रिएट प्रॉब्लम कर दी है इस व्यक्ति ने कि आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आप चाहकर भी किसी इंसान को अपना नहीं मान सकते, क्योंकि हर एक इंसान को आप सस्पिशियस नज़र से देखते नज़र आ रहे हो कि अच्छा ये मतलब इसका भी कुछ ना कुछ मोटिव ज़रूर होगा, क्योंकि इन्होंने आपका माइंडसेट ऐसा कर दिया है कि जिस व्यक्ति मतलब आप एक ऐसे पर्सन थे जो सबसे प्यार करते थे, सबसे प्यार देना, सबसे प्यार करना, आपने ये सीखा है बचपन से अपने अपने फैमिली में, अपने लोगों से आपने प्यार देना सीखा, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको बताया कि नहीं, प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसको हलवे की तरह बांटा नहीं जा सकता, जिसको उस इंसान को दिया जाता है जो इसकी वर्थ समझे, और कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन के कारण अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अरे गहरे नथु खहरे को ट्रस्ट नहीं करना चाहते, अपने जीवन की एक नई शुरुआत जरूर करना चाहते हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, शादी करनी पड़े या ज़िंदगी की नई शुरुआत अकेले करनी पड़े, आप ये सब करने के लिए तैयार हैं, आपके जीवन में आप अब रुकना नहीं चाहते। काफ़ी लोगों के लिए मैं बता दूं, आप में से काफ़ी लोगों के लिए 7.5 का शायद कुछ इम्पैक्ट है जो ख़त्म हो रहा है, और इस इम्पैक्ट के ख़त्म होते होते मेंटल क्लटर जो है मन में, जो माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि ऐसा होगा नहीं होगा, ओवर थिंकिंग, वो सब क्लियर हो रहा है, आपका माइंडसेट जैसे क्लियर हो रहा है और डिसीजन ले रहा है कि दैट्स इट, ये यार इधर होना होता तो ऐसा होता वैसा होता, और पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर की कोई ग्रोथ या उनका बिहेवियर आपको हरगिज़ मंजूर नहीं है, आप हर्ट हो चुके हो, आप डिस्टर्ब हो चुके हो और आपको लग रहा है कि मैं ही क्यों रोऊं, उस व्यक्ति को रोना चाहिए जिसने मुझे खोया, उस इंसान को तकलीफ होनी चाहिए जिसने मुझे खोया, मैं इसके लिए क्यों रोऊं, मैं इसका वेट क्यों करूं, इस इंसान को मैं क्यों बार बार ये दिखाऊं कि मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, ये इंसान मुझे डिजर्व करता है तो इसे एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी ये आपकी है, आने वाले समय में आप बहुत आगे की तरफ देखोगे, आपकी ज़िंदगी में आप पीछे मुड़कर देखने वाली पर्सनालिटी मुझे नहीं नज़र आ रहे। ओके, अब बात करें आपके पार्टनर की डीप 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 फीलिंग की। प्रॉब्लम पता है आपके पार्टनर की सबसे ज़्यादा क्या है? जो मन में है ना वो बाहर नहीं है, मन में बहुत प्यार, बहुत प्यार, ऐसी एनर्जी जैसे कि हर एक चीज़ को याद करना, मेमोरीज़ को रिकलेक्ट करना, दिवाली के ये दिनों में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से फीलिंग्स लाएंगे आपके लिए, आपके साथ पास्ट के मेमोरीज़ को कलेक्ट करेंगे, हर एक छोटी छोटी बात को, आपके साथ बिताया हुआ समय, कोई वीडियो, कोई फ़ोटो ज़रूर ये देखने वाले हैं या देखने वाली हैं।
जिसमें आप थे इनके साथ, आप इनके साथ वक्त बिता रहे थे, आप इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो एनर्जी इनको याद आएगी जहाँ पर आपके साथ वक्त बिताया था इन्होंने। एक सेकेंड, हाँ इस इंसान को आपके साथ बिताए हुए छोटे से छोटे मेमोरीज भी याद आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आपके साथ जो बिताया हुआ वक्त था वो कितना सुंदर था। और उसका कारण मैं बताती हूँ क्या है। उसका कारण ये है कि आप अपने पार्टनर को इस बार कोई विशेष, कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं करने वाले हैं, जिसको लेकर आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह शॉक्ड हो जाएंगे, बहुत बुरी तरह शॉक्ड। कहीं ना कहीं इनको लगेगा ये कैसे हो सकता है कि आप उन व्यक्ति में से एक रहे जो हमेशा बहुत ज़्यादा इनके पीछे रहे, चेस करते रहे, इनके पीछे भागते रहे, ये आपको धुतकारते रहे और आप बार बार इनको पकड़ते रहे कि नहीं यार प्लीज़ मुझे प्यार कर, मुझे देख ले एक बार, एक नज़र देख ले यार, प्लीज़ मेरे साथ सब चीज़ें ठीक कर। आपने अपने एफर्ट्स करके देख लिए हैं बट आप थक चुके हो। आपके पार्टनर उसी एफर्ट्स को लेकर शॉक दें कि ये व्यक्ति, ये बंदी या ये बंदे ने कैसे मुझे याद नहीं किया इस टाइम पे, ऐसा कैसे हो सकता है। रिसेंट पास में इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी के कारण आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट किए हैं। रिसेंट पास में इन्होंने सिर्फ थर्ड पार्टी के कहने पर या इन्फ्लुएंस होने पे आपको तकलीफ पहुंचाई, आपको बहुत बुरी तरह हर्ट किया, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाए और थर्ड पार्टी की सुन ली, उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, जो उनको सही लगा उन्होंने किया। थर्ड पार्टी ने जो गेम खेलना था, जो भी बेवकूफ़ी करनी थी, मैनिपुलेशन करनी थी, उन्होंने कर ली, बट आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बेसिकली नेचर ऐसा है कि थर्ड पार्टी में भी तुम्हें बेवकूफ़ क्यों बनाया, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, तुमने दुनियादारी का नॉलेज रखा हुआ है, तुम तो प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी हो, तुम तो सोसाइटी को समझते हो, सबको समझते हो, तो तुम में इतनी बेवकूफ़ी कहाँ से आ गई कि तुमने किसी तीसरे व्यक्ति के चक्कर में मेरी ज़िंदगी को ख़राब किया। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आपके पार्टनर जो डिसीजंस ले रहे हैं वो थर्ड पार्टी के रिलेटेड रिसेंट पास में ले रहे हैं और इसी से ही आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अब आप इस व्यक्ति को इसीलिए देखना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि जब चुनने का मौका तुझे दिया था तब तूने उसको चुनना बेहतर समझा और मुझे बार बार जो है ऐसे माहौल पर या ऐसे सिचुएशन पर ला कर खड़ा किया जहाँ मैं खून के आंसू रोई या भीख मांगने पर मजबूर हुई। लेकिन अब तुम्हारी बारी ख़त्म, आपके अंदर से ऐसा है कि एंड अब आ चुका है, दैट्स इट, इनफ इज़ इनफ। आपके पार्टनर की तरफ से ये करंट स्टेज में अगर देखूं, आज के दिन पे आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ हंसी मजाक और बिताए हुए हर मोमेंट को याद कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन मैसेज पे थी, चाहे वो कॉल पे थी, लेकिन आप थे इनके साथ। वो छोटी छोटी मेमोरीज इनको याद आ रही है, वो छोटा छोटा समय इनको याद आ रहा है जिस समय आप इनके साथ थे, जो समय आपने इनके साथ बिताया, और ये बात इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही कि आप बदल कैसे रहे हो, क्योंकि ये आपके अंदर के बदलाव को महसूस कर पा रहे हैं, मानो जैसे आप रुकना ही नहीं चाहते। और अब इनको बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में आपको खोते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखो उदासी है यार। देखो सिंपल सी बात, आप में से कुछ लोगों का क्या ऐसे सोच विचार हो जाता है ना, मेंटालिटी ऐसी है अपना अपना। देखो उसमें मैं आप लोगों को दोष भी नहीं दूंगी, अभी कैसा है ना यूट्यूब में टैरो रीडिंग्स तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं ना बढ़ा चढ़ा कर कुछ ऐसे। अब मैं किसी का भी नाम लेके किसी को भी इस तरह क्यों ऑफेंड करूँगी, ये गलत है, ये गलत है, मैं ही सही हूँ, नहीं नहीं सब मैं बोलती हूँ सब सही है। लेकिन क्या हो रहा है ना टैरो रीडिंग में आधे से ज़्यादा लोग क्या हो रहे हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो, हर्ट ना हो, इसलिए सत्य बताना ही नहीं चाहते कि सच बता दिया तो भाई सामने वाले को बुरा लग जाएगा, दुख हो जाएगा, फिर वो हमारे चैनल को क्यों देखेंगे, फिर तो वो अनसब्सक्राइब कर देंगे। बट यार प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट होती है कि आप लोगों का माइंडसेट ऐसा बन चुका है ना कि अरे यार ये ट्रस्टवर्दी नहीं होते, क्योंकि सब लोगों ने ऐसा किया तो आपका दिल टूटा, अब आपको भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है, टैरो रीडिंग्स हो या किसी इंसान हो, आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है किस पे बिलीव करूं भाई, ये तो कभी से बोल रहे थे कि आएंगे आएंगे आएंगे, मैंने तो इनके कहने पे इंतजार कर दिया तो वो आए नहीं। तो भाई जनरल रीडिंग थी, पहली बात तो सिंपल सी है, दूसरा जो सत्य बताओ ना तो बर्दाश्त भी कर दिखाओ, बड़ी बात ये होती है। क्योंकि आप में से कुछ लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा था, उसमें बोला था कि यार ये होता नहीं है हमारे साथ, होता क्यों नहीं है, होता सत्य में होता है, पर प्रॉब्लम ये कि जनरल रीडिंग्स में कभी कभी आप चीज़ें मिक्स कर देते हो। अब आपके लिए एक सच्चाई ये दिखाने की कोशिश कर रही हो, जब मैंने आपके पार्टनर की एनर्जीज निकाली, ये आपके सामने ही कार्ड्स निकाले जाते हैं, राइट। अब इसमें देखो कहाँ कौन सी एनर्जी आपको पॉजिटिव दिख रही है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी पॉजिटिव दिख रही है, एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, या थ्री ऑफ सॉर्ड्स की, या आपको दी मून की एनर्जी अच्छी दिख रही है। यहाँ पर आपकी एनर्जी में क्या है, आपकी एनर्जी में सरदर्द, ओ गॉड प्लीज़ कहाँ फंसा दिया, अब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पर आप हो, ये आप हो, ये आप हो, चुनौतियों को मंजूर करते हुए, लेकिन यहाँ पर क्या है, उदासी, तकलीफ़ें,
क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में यार, क्यों हो रहा है, मैंने किसको खो दिया। एक डिस्ट्रेस, जैसे किसी को बोलते हैं ना, कोई गुजर जाता है और उसके बाद कैसे कि दुख होता है ना, मातम का माहौल, वो आपके पार्टनर में दिख रहा है। जैसे कि लग रहा है ओ गॉड मैंने ये क्या कर दिया, ओ गॉड ये व्यक्ति ने मुझे क्यों नहीं पूछा, ओ गॉड ये कैसे हो सकता है, ये इंसान कैसे बदल सकता है। ये सत्य है आपके सामने जो मैंने रखा है, झेल सको तो झेलो यार, सीधी सी बात है, सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। झूठ बोलने पे मजबूर मत करना कि मैं अच्छा अच्छा बोल के आप लोगों को एकदम लल्लू पच्चू करूँ। और एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए दिवाली को मनहूस मत करना, जस्ट बिकॉज ऑफ अनदर पर्सन। अपनी ज़िंदगी में अपनी दिवाली ख़राब मत करना कि आप उनका वेट कर रहे हो, रो रहे हो धो रहे हो और बाद में वो व्यक्ति नहीं आ रहा है तो आप अपना पूरा दिन ख़राब कर रहे हो। कि नहीं, आपके परिवार वालों को आपकी ज़रूरत है, आपके दोस्तों को आपकी ज़रूरत है, आप आसपास में खुशी देखोगे तो खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है मेरी ज़िंदगी में सब गलत होता है, तो फिर भगवान भी आकर आपकी मदद नहीं कर सकता दोस्त। फिर सीधी सी बात है, फिर भगवान भी मदद नहीं कर पाएंगे। माइंडसेट को बदलो, ठीक है। आपके जीवन में आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह रोने पे मजबूर हो रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद को स्टक फील कर रहे हैं। आपकी नई शुरुआत अपने जीवन में, आप ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ आगे की तरफ देख रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर अब ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि मानो वो आपके रिश्ते में, आपकी मेमोरीज में, आपके प्यार में स्टक हो गए हैं। जैसे चाहकर भी ये अपने इस रिश्ते को भूल नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी अपनी ज़िंदगी में अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, अपने जीवन में किसी चीज़ में इनका मन नहीं लग रहा है। बुरी तरह अंदर से टूट रहे हैं, बुरी तरह अंदर से अपसेट हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। और थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कह रही है हार्ट ब्रेक, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा सुना है, अब आप वो देने वाले हो। अब इस व्यक्ति का अगर मैसेज भी आ गया या कॉल भी आ गया या आपने मेल भी देखा ना, तो आपकी तरफ से एक ऐसी एनर्जी है कि यार गेट आउट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप रिप्लाई नहीं करना चाहते, आप मैसेज नहीं करना चाहते, आप अब इस व्यक्ति को देखना नहीं चाहते, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको मुंह की दिखाई है और आप थक गए, आप रो कर थक गए, आप बहुत ज़्यादा पी चुके, खा चुके, हरकतें कर चुके, जो नादानी थी, जो बचपना था आपके अंदर से अब ख़त्म हुआ। आप सिर्फ अब आगे की तरफ देखना चाहते हो, इस इंसान का बर्ताव आप देख चुके हैं। आपके पार्टनर दूसरी तरफ आपके लिए सोच विचार करने पे मजबूर हो रहे हैं, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं और दिल टूटता हुआ उनका नजर आ रहा है और अंदर ही अंदर बार बार मन में कामना कर रहे हैं कि काश सब ठीक हो जाए, काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, काश ये व्यक्ति वापस आ जाए मेरे जीवन में, काश पहले से बेहतर हम दोनों की सिचुएशन हो जाए, काश भगवान, काश मैं वापस पहले जैसे मुस्कुरा सकूँ। देखो सच्चाई ये है कि जिस दिन से आप लोग दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या इन एंड आउट सिचुएशन का, नो कॉन्टैक्ट ऑन एंड ऑफ जो सिचुएशन शुरू हुई है, उसके बाद से इस व्यक्ति ने अपने आप को अंदर से महसूस ही नहीं किया है, अंदर से खुशी महसूस नहीं की, अपने अंदर को हैप्पीनेस महसूस नहीं की। लेकिन उसके बाद भी इस व्यक्ति ने पता है सबसे बड़ी गलती क्या करी, इसकी वाणी, इसकी हरकतें गलत रही। इसने एक तो बोलना गलत समझा कि भाई जो बोलते वो गलत बोलते जिससे आपका दिल टूट जाता, या जो करते वो बिहेवियर, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी इनकी अपनी मर्जी से बनी, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट भी इनकी अपनी मर्जी से बनी। आपने तो पूरी कोशिश की थी ना इस रिश्ते को संभालने की, आपने तो पूरी निष्ठा से, पूरी पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को बना के चलने की कोशिश की, पर वफादारी इन्होंने नहीं निभाई, राइट। इंटेंशंस में बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे देखूँ तो प्यार, इमोशन, पागलपन, सीरियसनेस, अरे यार ये मुझे वापस मिल जाए, प्लीज़ मुझे मिल जाए, भगवान मुझे दे दे। लेकिन बाहर हरकतों में, अरे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पता है मैंने मूव ऑन कर लिया है, हाँ मेरी ज़िंदगी में मैं किसी के लिए नहीं रुका। अंदर से तड़प रहे हैं, मरे जा रहे हैं, लेकिन सामने, अरे मैं अपने जीवन में बहुत आगे देख रहा हूँ, मेरा ये है वो है। आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हो कि भाई जो अंदर है, जो तुम दिखाई नहीं सकते, जो तुम्हारे अंदर जो एटीट्यूड है, तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है और आप इधर ट्राई कर करके थक गए हो। आप इस व्यक्ति के लिए आ रहे हो, चीज़ें ठीक कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति को वो दिखना ही नहीं है। तो बस दैट्स इट, आप इस रिलेशनशिप में अब ऐसे हो चुके हो कि नहीं भाई तुम पागल हो, तुम इमैच्योर हो। अब तक मुझे लगता था शायद मेरी से गलती हो गई, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया इसलिए रिलेशनशिप खराब है, लेकिन अब मुझे जाकर एहसास हुआ कि तुम बच्चे हो या तुम बच्ची हो, तुम में ज़रा सी भी अकल नहीं है, कि तुम्हें एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि तुम्हें रिश्ता चाहिए कैसे, क्या चाहिए तुम्हें, ज़िंदगी में क्या चाहिए तुम्हें वो भी नहीं पता। और तुम जो इंसान तुमसे प्यार करते हैं, तुम उस इंसान को अपने से दूर करते हो। जो टॉक्सिक लोग हैं तुम्हें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ये आप मान चुके हो कि आपके पार्टनर को ना सारे टॉक्सिक और गलत लोग ही अट्रैक्ट करते हैं। जो बुरे लोग हैं उनको ये बहुत दिल से लगाते हैं कि अरे अरे आजा, लल्लू पच्चू करने लगते हैं, और जो बहुत अच्छे से नेकी से इनका साथ दे रहा है ये व्यक्ति उसी के खिलाफ हो जाते हैं। और आप इससे थक गए हो, आपको लग रहा है कितना प्रोटेक्ट करूं भाई इसको, ये डिजर्व करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये कहती है कि ये व्यक्ति आने वाले समय में आपके लिए उस तरीके से बैक करने पे मजबूर हो जाएंगे या उस तरीके से रोने पे मजबूर हो जाएंगे जिस तरह से आप बहुत लंबे समय से रोते नजर आए हो। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा समय तक आप बहुत डिप्रेशन में रहे, एंजाइटी में रहे, आप जो है लिटरली, मैंने जो कहा ना शब्दों का क्या मैंने यूज़ किया,
खून के आंसू रोए हो आप बहुत ज्यादा। अब बारी है इनकी, इस व्यक्ति को आप वो टिट फॉर टैट देना चाहते हो जहां पर आप इनको बताना चाहते हो कि देखो कर्मा कैसा होता है, देखो तकलीफ कैसी महसूस होती है, देखो जब इंसान अपनी जिंदगी से निकलता है जो अकेलापन हम महसूस करते हैं, जब इंसान का 50 मैसेजेस जाते हैं और उसका एक रिप्लाई नहीं आता तो बताओ कैसा महसूस होता है, बताओ मुझे कि कैसा फील होता है। आप उनको उस तड़प का एहसास देना चाहते हो। अब ऐसा समय शुरू हो गया जहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को देखना सिर्फ इसलिए नहीं चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा अब पता होना चाहिए कि इसने आपके साथ क्या किया है, इसने आपको कितना तकलीफ पहुंचाया, कितनी हर्ट किया। आप इनकी एनर्जीज में इतना तक देखने के लिए रेडी नहीं हो कि ये जो है इसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो या फॉल हो या थर्ड पार्टी के साथ कोई प्रॉब्लम हो। आपका इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में, आपका इंटरेस्ट नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में आप इनको गिरते हुए देखें, आपका इंटरेस्ट ही जीरो है। गिरे तो गिरे, अपनी मर्जी से जाके गिरे, बस आपको इनसे कोई लेना देना नहीं रखना। आपको लगता है कि कर्मा है, कर्मा काम करेगा। जो व्यक्ति के साथ आपने इतनी इच्छा और निष्ठा से, इतनी ईमानदारी से इतना कुछ किया, उस व्यक्ति ने आपका मोल ना समझा, उस बंदी या बंदे ने आपका मोल ना समझा, उसको आने वाले समय में खुद वक्त बताएगा उसे क्या करना है। बाकी आप अपना कर्मा देखने के लिए रेडी हो, अब आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। आपके जीवन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को रिलीज करने के लिए रेडी हो चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है शायद मेरी गलती, डिसीजंस मेरे रॉन्ग थे, अब मेरे को बदलना पड़ेगा। एक्शंस की बात करूं तो आपके पार्टनर के साथ आपका मुझे क्लोजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग नेक्स्ट 3 डेज में तो मुझे फिलहाल एक्शंस नहीं दिखाई दे रहे, बट यस नेक्स्ट 3 डेज में ऐसा कुछ होने जा रहा है जो आपकी सोच से भी परे है। वो है ये कि आपके पार्टनर को रियलाइज हो जाएगा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बिना उनके जीवन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो क्लोजर आप उन्हें दे रहे हैं वो क्लोजर इनको तकलीफ दे रहा है। क्लोजर यानी कि वो वक्त जिसमें आप सब चीज़ों का अंत कर रहे हैं, ये क्लोजर आप देने के लिए तैयार हैं और आप इन चीज़ों का, इस रिश्ते का अंत करना चाहते हैं और इस अंत से ये परेशान हो रहे हैं। जैसे ही आप इस रिश्ते को ऐसे कर रहे हैं कि कोई मैसेज नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई अप्रोच नहीं, आपके पार्टनर इस चीज़ से पूरी तरह से हिल रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है ये हो नहीं सकता, क्योंकि 50 बार बंदी मैसेजेस करने वाले या मैसेजेस करने वाला बंदा, मेरे लिए पागल होने वाला बंदा या बंदी, जो मुझे स्टॉक करते थे, चेस करते थे, जो मेरे पल पल की खबर रखते थे, वो अचानक से आज गायब कैसे हो सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति को होता है ना कि भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, वो आपको इग्नोर कर रहा है, बट अंत में वो एक समय आता है जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखना होता है और उनको रियलाइज़ होता है कि कोई पीछे नहीं, अचानक से सब मेरे को तो कोई स्टॉक किया करता था, उसने बंद कर दिया, तो वो उसके बारे में चिंता करने लगते हैं कि अरे वो जो मुझे स्टॉक कर रहा है वो ठीक है, उसने स्टॉक करना क्यों बंद कर दिया? एम आई नॉट अट्रैक्टिव? क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? क्या मैं अब सुंदर नहीं रहा या सुंदर नहीं रही? मेरे अंदर कुछ बदला क्या? लोगों ने मेरे पीछे भागना क्यों बंद कर दिया? आपने उनके कॉन्फिडेंस को हिला दिया और ये सबसे बेस्ट चीज़ की आपने। आपने उनको बताया कि बेटा जी बहुत हो गया, बहुत ख़त्म कर दिया, अब हमने जो भी तुम्हारे पीछे जो हम लल्लू पच्चू कर रहे थे वो हमारा बचपना था, अब हम असल इंसान मैच्योर हुए हैं हम लोग, तो अब तुम्हें बताएंगे कि बेटा प्यार करना हर किसी के बस का नहीं था, हमने किया, हमने निष्ठा से दिखाया, पूरी ईमानदारी से प्रेम किया, पर तुम उसे समझ ना सके ना, क्या बात करें, तुम नहीं समझ पाए उसको। तो अब ऐसे में निकल जाने में ही भलाई है, आप अपने जीवन में निकलना बेहतर समझ रहे हो, आप अपने जीवन में सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो, आप अपने ज़िंदगी में कोई ऐसा रिश्ता ढूंढ रहे हो जिसके साथ आप सिक्योर लाइफ जी सको। अब आप अपनी ज़िंदगी में ये लल्लू पच्चू ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से दूर भाग रहे हो, अब आप इस ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने को और बहुत कुछ सक्षम करने के लिए राज़ी हैं। आपके पार्टनर को आप अपने पीछे भले भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं उससे, आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पीछे देखने में भी आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपको मुंडी पीछे करने में भी एतराज़ है कि नहीं मैं क्यों देखूं, ये इंसान इतना भी डिजर्विंग है कि मैं इसको पीछे भी मुड़कर देखूं, इसने वो समय लाया, वो कुछ किया कि मैं इसको पीछे भी मुड़कर देखूं, इसने वो वक्त भी नहीं लाया। आप अपने जीवन में अब बहुत सारी चीजें बदल रहे हो और आपके पार्टनर क्या 3 दिन में कोई एक्शन लेंगे? नहीं, ये एक इंसान कायर साबित होंगे, सॉरी टू से दिस बट मैं बहुत हार्श वर्ड यूज कर रही हूँ, आपके पार्टनर लड़का या लड़की ये कायर साबित होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, ये व्यक्ति आपको मैसेज करने से या कोई भी बात करने से दूर भागेंगे, दूसरी तरफ से आपको अप्रोच करना चाहेंगे और कहीं ना कहीं डरते खपते चोरों के जैसे हो भी सकता है कि ये कोई मेल या मैसेज करे, पर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आपके लिए ऐसा है कि नहीं, तुम्हारे एफर्ट्स कहाँ हैं? तुम्हारे तो एफर्ट जीरो है, तो भाई बेटर है कि तुम निकल लो। तुम ऐसे ही डरते फिरते रहो, दूसरों से घबराते रहो, पर मैं अब बोलते ना निकल गई और या मैं निकल गया, इस तरीके की सिचुएशन अब आपने बनाई इनके लिए, ठीक है।
ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब यार सब चिपका डालो, उसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ब्रेसलेट्स के लिए आप जो है अमित सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझसे व्हाट्सअप पे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिवाली के 3 दिन बुकिंग बंद करके रखी है। 27 या 28 तारीख से हम वापस बुकिंग शुरू करेंगे नए रेट्स और नए कोटेशन के साथ, और नई नई चीज़ें हमने जो है चेंजेस करेंगे। प्राइसेस थोड़े बढ़ा ज़रूर रहे हैं, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना क्राउड बहुत ज़्यादा आ जाता है, इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है ना कि हम रीडिंग्स ही नहीं कर पाते, डिलीवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं कई कई बार, ताकि क्राउड थोड़ा कम कर सकें। और जो बहुत ही बोलते ना कि इंपॉर्टेंट बोलते ना, किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो ही अप्रोच करेगा, वरना कोई टाइम पास के लिए नहीं अप्रोच करेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा बीच में कैसा हो गया था ना कि रेट्स कम रखने की वजह से कुछ बहुत ही बिना वजह के क्वेश्चन आंसर ज़्यादा हो रहे थे, जो ऐसा लग रहा था कि इन लोगों की लाइफ में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, वो उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। मतलब मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने लगे थे, कि इसके कारण हमें प्राइस बढ़ाना पड़ा और चेंजेस करने पड़े, ताकि हम लोग जो है जो इंपॉर्टेंट जो बहुत ही सीरियस लोग हैं उन्हीं से डील कर सकें, ठीक है। बाकी यस, लाइव फ्री क्वेश्चन आंसर रीडिंग्स मैं जो है लाइव पे संडे संडे कर लिया करूँगी या सैटरडे सैटरडे कर लिया करूँगी, डोंट वरी। मैंने मेल्स का ऑप्शन बंद कर दिया, इसलिए मेल्स करना बंद कर दें, क्योंकि मेल्स का ऑप्शन इसलिए, मैंने वोट किया था पोल वोट में, जो मैंने वोटिंग करवाई थी उसमें आधे से ज़्यादा लोगों ने लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन को ज़्यादा वोट्स दिए हैं और मेल्स को बहुत कम वोट्स आए हैं, तो इसीलिए मेल्स के ऑप्शन को हमने क्लोज कर दिया और सिर्फ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन संडे या सैटरडे को किया जाएगा। वो प्री अनाउंस कर देंगे कि कब करेंगे, जब भी वो शुरू होने वाला होगा वो एक दिन पहले आपको अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम, हैप्पी दिवाली है। सो अब बारी है पाइल नंबर 2 की, OPQRSTUVWXYZ। आपका नाम अगर इन अक्षरों से शुरू होता है तो ये रीडिंग आपकी है। यूनिवर्स मुझे बताए OPQRSTUVWXYZ इनकी फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है इनकी फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। अगर आपको पानी की आवाज़ आ रही है तो मैं बता देती हूँ, वाटरफॉल चालू है, शिवलिंग को मैंने जो है से रखा है, जिसका आवाज़ आ रहा होगा आपको, हो सकता है, नॉट श्योर आ रहा है कि नहीं, पर मुझे आ रहा है। यहाँ यूनिवर्स मुझे बताएं, OPQRSTUVWXYZ जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि उनकी करंट फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या है, करंट डीप फीलिंग्स। दी वर्ल्ड, 10 of Wands, क्वीन ऑफ वॉन्स, बॉटम ऑफ द डेक, 4 of Pentacles, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या है, इनके पार्टनर की करंट डीप फीलिंग्स। OPQRSTUVWXYZ यूनिवर्स बताएं जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है इनके जो पार्टनर है उनकी करंट डीप फीलिंग्स क्या है इनके लिए। दी हैंगमैन, स्ट्रेंथ, 8 of Swords, 8 of Pentacles, 2 of Wands। ओहो, यूनिवर्स मुझे बताएं एक्शंस क्या होंगे नेक्स्ट 3 डेज में, एक्शंस दिवाली के ये नेक्स्ट 3 डेज इनके पार्टनर के इनके प्रति एक्शंस क्या होंगे। Two of Swords, the Lovers, the High Priestess, okay. ओके सो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं, लिब्रा एक्यूरस जेमिनी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और सेम आपकी भी साइंस दिख रही है, लिब्रा एक्यूरस जेमिनी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन या वर्गो या पाइसिस भी आपकी साइन, या कैप्रिकॉन या स्कॉर्पियो आपकी साइन हो सकती है, ठीक है। नंबर 8, नंबर 11, नंबर 12 और नंबर 14 और 17, नंबर 7 भी आपके लिए महत्व रख सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ओके, बहुत सारे नंबर्स दिखे हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट जो दिखे हैं वो बताना ज़रूरी है। आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रीसेंट पास में चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे काइंड ऑफ ना आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सेटिस्फैक्शन इज मिसिंग आपके रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत डिफिकल्ट हैं आपके लिए। यूनिवर्स दी वर्ल्ड की एनर्जी को क्लारीफाई करें, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने रिश्ते को पीछे छोड़ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरफ देखते नज़र आ रहे हो। दी वर्ल्ड की एनर्जी को क्लारीफाई करें, यस, ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे की तरफ देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में किसी के लिए रुकना नहीं चाहते। आपके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर होपफुल तो हैं, आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी पॉजिटिव और एक ऐसा अप्रोच रखते हैं जिससे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, एक ना एक दिन वाली सोच है, बट कहीं
कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को, पता नहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को अपने पीछे चेस करवाने पे मजबूर कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को अपने पीछे भगाने पे मजबूर कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ओके सोशल गेट टुगेदर्स में तो डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके दिवाली के सोशल गेट टुगेदर्स में ये तो ऑब्वियस है, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे फ्रेंड्स के बीच में उठने बैठते, लोगों के बीच में सोशलाइज करते और नाम कमाते नजर आ रहे हो लोगों के बीच में, ओहो वाओ कि ये क्या पर्सन है। हो सकता है आप जरूरत से ज़्यादा गिफ्ट बांटेंगे या बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे जिससे बहुत लोगों में आपका नाम होगा। रिसेंट पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत लोगों से लाइक ब्लेसिंग्स कमाएंगे, नाम कमाएंगे और लोग बोलेंगे वाह वाह शी सो स्वीट या ही सो स्वीट वाली एनर्जी। आप लोगों के साथ बैलेंस पेश आ रहे हैं, पॉजिटिव पेश आ रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिश्ते से बहुत तंग हैं और एग्जॉस्टेड हैं, आप अपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में पूरा बोझ आपके ऊपर डाल दिया गया है इस रिश्ते से, मतलब इस रिलेशनशिप में सारी जो एफर्ट्स हैं, इस रिलेशनशिप में सारे जो मेहनत करने वाले काम है वो सब आपके ऊपर डाल दिया गया है। वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सारा बोझ आप ही को संभालना है, सारी मेहनत आपको करनी है, सामने वाला व्यक्ति उतना मेहनत करने को रेडी नहीं है, या ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हो क्यों ना कहीं, क्योंकि मूव ऑन की एनर्जी भी दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि आप कुछ टाइम का ब्रेक चाहते हो अपने ज़िंदगी में, अपने रिलेशनशिप से, अपने आमतौर की ज़िंदगी से जैसे ब्रेक चाहते हो, जैसे आप थक गए हो लोगों के लिए करते करते, लोगों की मदद करते, लोगों के लिए काम आते आते, लोगों के लिए अवेलेबल रहते रहते, हर किसी को हाँ बोलते बोलते, हर किसी की जी हजूरी करते करते, जैसे आप थक गए हो, आप अपनी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी वैल्यू कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, अपने आप को फोकस कर रहे हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, कोई मनचाही इच्छा भी आपकी पूरी होते नज़र आ रही है मुझे ये अपकमिंग 3 डेज में। तो स्पेशली मुझे लग रहा है कि आपको कोई ऐसी न्यूज़ या ऐसी कोई खुशखबरी मिलेगी या कोई ऐसी बात हो जाएगी जो आपको बहुत एक्साइट करेगी। कुछ लोगों के लिए, मैं आप कुछ लोगों का रिपीट कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन है जिसमें आप थर्ड पार्टी से जीत जाएंगे, थर्ड पार्टी की बैंड में जाएंगे या थर्ड पार्टी से जीत जाएंगे, थर्ड पार्टी को लाइक आप किसी तरीके से या किसी कारण से आप थोड़ा सा नीचे गिराते नज़र आ रहे हैं और खुद जो है वो हासिल कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई जीत, कोई विक्ट्री, कोई सक्सेस आपको हासिल हो रही है और आप अंदर से बहुत एक्साइटेड हैं। मैन्युपुलेटिव एनर्जी बहुत है भाई, बहुत स्ट्रांग मैन्युपुलेशन है, ऐसा लग रहा है कि आप दिमाग से काम ले रहे हो। इस वक्त आपका दिमाग बहुत चतुराई से चल रहा है, जहाँ आपको जो चीज़ सीधे उंगली से ना मिले ना उसे उंगली टेढ़ी करने में बहुत स्मार्टनेस है, ये कहीं ना कहीं आप मानते हो। आप अपनी ज़िंदगी में जैसे कि ना कुछ बचाते हुए, कुछ सिक्योर करते नज़र आ रहे हो। इस रिलेशनशिप को लेकर ही मैं समझ पा रही हूँ कि जैसे कि अब कुछ लोगों के लिए सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस कर रहे हो। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप अपने पार्टनर के साथ सिक्योर लाइफ इमेजिन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि उनके साथ आप सेफ सिक्योर लाइफ मिले आपको और थर्ड पार्टी जो है वो आपके जीवन से निकल जाए, या आपके पार्टनर का कोई भी डिस्ट्रैक्शन है या कोई भी कन्फ्यूजन है वो निकल जाए, आपको वो स्टेबिलिटी, एक स्टेबल रिलेशनशिप दे, कन्फ्यूज ना करें। आप अपने रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या बार बार आने जाने से या इस रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी से इतना थक चुके हैं ना कि आप कहीं ना कहीं एफर्ट डालना बंद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एफर्ट नहीं डालना चाहते इस रिलेशनशिप में, लेकिन बिना एफर्ट डाले भी आपको वो सब चीज़ें हासिल हो रही है जो आप चाहते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ मुझे अप्रोच करते हुए, आप में इंटरेस्ट लेते हुए, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए, आपसे बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आपके जीवन में वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं। आप अपने जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम है जो आपका बहुत समय से अटका हुआ था। अब हो सकता है ये फाइनेंस रिलेटेड है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस में या जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही है, या आपकी फैमिली लाइफ में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अच्छी न्यूज़ जो आपको बहुत समय से नहीं मिल रही और फाइनली वो न्यूज़ आपको मिल रही है। ओके, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस एनर्जी, यूनिवर्स क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप थोड़े से ना मिक्स्ड एनर्जीज में हो, पता है, एक पल आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हो, दूसरे पल इस रिलेशन के लिए लड़ना चाहते हो, इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हो, पागलों की तरह लड़ना चाहते हो, फिर अगले पल फिर छोड़ते हो और फिर आप थोड़ा सा दिमाग से काम लोगे। अब क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। दी मून, ठीक है, यस, मैंने जैसे कि कहा आपके जीवन में आप थर्ड पार्टी को धूल चकाएंगे, आप दिमाग से काम लेंगे, आप अपने पार्टनर के लिए मुझे एफर्ट डालते नज़र नहीं आ रहे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर ऐसे हो कि ठीक है भाई, सीधे से तो बात बननी नहीं है, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को आपके
सामने जो चीजें नहीं आ रही थी बहुत समय से, सत्य नहीं आ रहा था, वो सत्य आ सकता है कुछ लोगों के सामने। पर आपकी जीत हो रही है, आप बहुत पॉजिटिव हो, फुल एनर्जी के साथ हो, ऐसा लग रहा है मानो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहकर थक गए हो। आप अपने पार्टनर के लिए भी अवेलेबल नहीं रहना चाहते, पर दूसरी तरफ आप थर्ड पार्टी के बैंड जरूर बजाना चाहते हो। अजीब सी एनर्जी है आपकी, बहुत अजीब सी एनर्जी है। आप अपने पार्टनर के लिए इनसिक्योर बहुत हो, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा डर है या कहीं ना कहीं डाउट है, या ये सच में आपको पता है ऑलरेडी कि आपके पार्टनर का कुछ थर्ड पार्टी का कुछ कनेक्शन है, मतलब कोई या तो तीसरा व्यक्ति आप दोनों में शामिल है, या किसी तीसरे व्यक्ति को ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जिसके कारण ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर रहे। आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है जो ऐसा दिखा रहा है कि जैसे कि मानो आप अपने रिलेशनशिप में या आप अपने पार्टनर को लेकर किसी तरीके का शक या किसी तरीके की इंट्यूटिव एनर्जी को महसूस करते हैं। एक मिनट, हाँ, आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप ना बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है जीतना चाहते हो, और आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरा है पर पूरी तरह मेरा नहीं। आपको आपके पार्टनर पे या तो शक है कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, या तो आप अपने पार्टनर को लेकर ऐसा फील करते हैं कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं पक्का, या थर्ड पर्सन के पास अभी भी जा रहे हैं। बट आप इस बार अटैक अपने पार्टनर पे कर ही नहीं रहे, आप सीधा थर्ड पार्टी पे अटैक कर रहे हैं। आप किसी तरीके से थर्ड पार्टी को साबित कर रहे हैं कि बेटा जी मैदान में तुम अभी कच्चे खिलाड़ी हो, हम तुमसे ज़्यादा होशियार हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जोश, एक ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए, यार अब कुछ लोगों के लिए ये होगा एप्लीकेबल। आप में से कुछ लोग कोई स्पेल या रेमेडी या कोई उपाय का उपयोग कर रहे हो जिसके कारण आपके पार्टनर आपकी तरफ एकदम से बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और इससे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्लैक मैजिक का भी इनपुट दिख रहा है। आप कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हो, या कोई पूजा पाठ या कोई प्रार्थना या मे बी मैनिफेस्टेशन या कोई अट्रैक्शन, जिससे आप अपने पार्टनर को अपने लिए बोलते ना किसी तरीके से खींच रहे हो कि मेरी तरफ आओ, लेकिन आप एक ही एट द सेम टाइम उन पर भाव भी नहीं दे रहे हो, उनको भाव भी नहीं दे रहे हो, उनको ज़्यादा वैल्यू भी नहीं दे रहे हो, उनको इंपॉर्टेंस भी नहीं दे रहे हो, पर एट द सेम टाइम आप उनको अपनी तरफ खींच भी रहे हो। आप बस चाहते हो कि आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिल जाए, या इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो जो उन्होंने आपके साथ, लाइक एक सॉरी बोल दे, या एहसास करे कि उसने आपके साथ क्या किया। वो डिज़र्व करते हैं कि भाई उनको आइडिया लगे कि रिलेशनशिप मजाक नहीं है, आप रिश्ते का उनको वैल्यू करवाना चाहते हो। इस रिलेशनशिप से आप बहुत एग्जॉस्टेड हो ऑलरेडी, मैं सच्चाई बताऊं तो सफोकेटेड हो आप। इस रिलेशनशिप में जैसे एक घुटन सी महसूस होती है कभी कभी आपको, जैसे मानो कुछ पता नहीं चल रहा है या कुछ अजीब सा है आपके पार्टनर के साथ जो आपको मजबूर कर देता है उनके बारे में 24 घंटे सोचने पे। तो आप अपने पार्टनर को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेज जो सही लगेगा वो करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप मुझे सिक्योर लाइफ एक ऐसे गोला बनाते नज़र आ रहे हो जिसमें आप बैठे हुए हो, और आप चाहते हो इस गोले के अंदर कोई आना नहीं चाहिए, एक ऐसी लाइफ। अच्छा, आप में से कुछ लोग या तो नई प्रॉपर्टी या तो नया घर खरीदेंगे, या घर में किसी तरीके का इंटीरियर या काम करवाएंगे जिससे बहुत खुशी होगी आपको, आपको मनपसंद का कोई काम मिल जाएगा। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर से डिस्ट्रैक्ट होकर, पार्टनर को छोड़कर आप बाकी चीज़ों पर फोकस करके बहुत खुश हो कि भाई ये मिल गया फाइनली, ये हो गया, वो हो गया, आपका कोई अटका हुआ काम पूरा हो गया, कोई लीगल मैटर था वो सॉल्व हो गया, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको अच्छा समय मिल रहा है, गुड न्यूज़ मिल रही है, और आप उससे बहुत एक्साइटेड है कि फाइनली ये हो गया। बट कुछ लोग थर्ड पार्टी को मज़ा चखाएंगे, कुछ लोग थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से एक्सपोज करेंगे या कोई ऐसी चीज़ कर लेंगे जिससे क्लैरिटी मिल जाएगी, बट कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे से दिख रहा है कि अपनी ज़िंदगी के दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, घर बनाने में या वर्क प्लेस पे कोई अचानक से प्रमोशन मिल गई उसमें खुश हो। आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल और गोल की तरफ ध्यान दे रहे हो, पार्टनर की तरफ आपका ध्यान मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चलते ज़रूर हैं, आप इनको पाना चाहते हो, आप इनको हासिल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये आपके जीवन में बने रहे अंत तक। आप क्रियाएँ ज़रूर कर रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर कर रहे हो, लेकिन यस, आप मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक प्रकार का बर्डन फील करते हो जिसमें लगता है कि आप इस रिश्ते के लिए सब कुछ करने को तैयार है, और आपके पार्टनर मानो कोई एफर्ट डालते ही नहीं, ऐसा महसूस आपको होता हुआ नजर आ रहा है। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप इतना सारा काम ले रहे हो जिससे आप थकावट महसूस कर रहे हो। बात करूँ आपके पार्टनर की, रिसेंट पास में ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जगह रुक गए,
कोई मोमेंट नहीं, कोई कोई आंसर नहीं, कोई एक्सप्रेस नहीं, कुछ चीज़ों को खुलकर बताने से एतराज़, नहीं बता रहे कि एग्जैक्टली क्या है, मन के भेद मन में ही रख रहे हैं, एक पॉज ले लिया है, ना आपको देखना चाहते हैं ना किसी को देखना चाहते हैं, बस अपने जीवन में अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने आप के साथ समय बिताना चाहते हैं, अपने आप के अकेलेपन को इंजॉय करना चाहते हैं, खुद के साथ एकांत में बैठना चाहते हैं। ऐसी एक एनर्जी है रिसेंट पास्ट में, जहाँ पर खुद को समय देते नज़र आ रहे हैं, खुद पर फोकस करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके मन में बार बार एक इंट्यूशन है जो आपसे कहता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कोई झूठ बोल रहे हैं। ये बात मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, ऐसा आपको क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर वाकई दो रूप ही चेहरे में घूम रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। उनके दो, एक बोलते ना दो चेहरे हैं, एक में वो इंसान अलग है आपके सामने, दूसरे में कुछ अलग पर्सनैलिटी, यानी कि यस ये आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, यस इस व्यक्ति के अंदर जो चलता है वो मन की बातें आपको बताते नहीं, वो चाहे मन के अकेलापन क्यों ना हो ये आपसे शेयर नहीं करते कि मुझे अकेलापन महसूस होता है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर पूरी चोटी का जोर लगाकर अपने जीवन में आपकी तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, पर दूसरी तरफ उनका फोकस कहीं और डिस्ट्रैक्टेड है। यस आपके पार्टनर कुछ आपसे बातें छुपा रहे हैं, यस उनके दिमाग में और उनके दिल में जो चल रहा है वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग ना, एक सच्चाई मैं आपको खुलकर बताती हूँ, पाइल नंबर टू बहुत मिक्स्ड फीलिंग के साथ है, बहुत मिक्स्ड फीलिंग, बहुत कंफ्यूज्ड फीलिंग। पाइल नंबर वन जितनी क्लियर थी ना, पाइल नंबर टू उतनी ही डिफिकल्ट है इस समय। मिक्स्ड फीलिंग, थकावट है, एग्जॉशन है, पर रिश्ता चाहिए, इस रिश्ते में पागलपन है आपके लिए। आप इनको भूलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि इस रिश्ते ने आपको कुछ दिया नहीं, पर अगले पल आप इनके बारे में 24 घंटे सोचने पर मजबूर होते हो। अब मैं आपके पार्टनर की तरफ ध्यान दूँ, आपके पार्टनर कभी एकांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कभी आपसे बातें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे ही पल ही आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, दूसरे पल ही आपके पास होना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी की, इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, लेकिन अगले पल फिर धोखा देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं और बिट्रेल देते हैं, ऑनेस्टी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे और इसी के कारण आप भी पूरी तरह से पागल हो रहे हो इस रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि दो रास्ते हैं और दो रास्ते में एक का चुनाव कर पाना इतना डिफिकल्ट है, इतना स्पेशली आपके पार्टनर के एक्शंस हैं जिसमें से लग रहा है कि जैसे वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, उनको चाहिए क्या, उनको उनकी लाइफ में क्या चाहिए उनको पता ही नहीं है। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, पर अगले ही पल वो आपसे दूर भागते हैं। वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, पर अगले ही पल वो आपको धोखा दे जाते हैं। वो आपके पास रहना चाहते हैं, पर अगले पल वो आपको अकेला कर देते हैं। इस तरीके की कंफ्यूज्ड और मिक्स्ड एनर्जी, भाई सीरियसली बोल रहे हो, कोई रीडर पढ़ लेना पागल हो जाएगा। ये तो हमारे सालों साल का बोलते हैं ना एफर्ट है, तो हम लोग लाइक पढ़ पाते हैं, नहीं तो कोई भी, मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा ना जो नॉर्मल लाइक अभी प्रैक्टिस में है, वो पागल हो जाएगा इस एनर्जी को देखकर। सच्चाई बता रही हूँ मैं, ये पागलपन है लिटरली। ऐसा लग रहा है कि एक पल क्या, सामने वाला बोले तो बोले क्या, मतलब मुझे ही कई बार बोलते वक्त ऐसा लग रहा है कि यार मेरी खुद की मेरे व्यूवर्स कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप पूरी कंफ्यूजन से भरी पड़ी है। इस रिश्ते में जैसे कोई डिसीजन ही नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। एक पल आपको दूर भागना है फिर नज़दीक आना है, एक पल आपके पार्टनर को दूर भागना है फिर नज़दीक आना है, चल क्या रहा है आप लोगों में? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद आपके घर पे आकर आपके सामने बैठ कर कहूँ बेटा चाहिए क्या, क्योंकि ना तुम क्लियर हो ना तुम्हारे पार्टनर क्लियर है, आप क्लियर हैं, आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपके साथ रहें, आपके पास रहें। आप जीतना चाहते हैं इस रिश्ते में, आप इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, आप इस रिश्ते में आपके पार्टनर को पाना चाहते हैं, सत्य पूरी तरह सत्य आपको समझ गई। आपके पार्टनर को बात अब की जाए, बातें छुपा रहे हैं, बातें एग्जॉस्ट हो रही है, अंदर से अकेलापन, अंदर से बेचैनी, रेस्टलेसनेस, जैसे कि किसी तरीके का सफोकेशन उनको सफोकेट कर रहा है। लेकिन अगले ही पल में देखूं तो ये व्यक्ति आपके साथ नजर आ रहे हैं, आपसे बहुत मीठी बातें कर रहे हैं। अरे जो मन में है वो बाहर क्यों नहीं? आपके पार्टनर बहुत एक्सक्यूजेस बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बातें छुपाते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत बातें अलग अलग करते हैं। ये खुद भी क्लियर नहीं है कि इनको लाइफ में क्या चाहिए, और इसी के चक्कर में आप बहुत परेशान है, एग्जॉस्टेड है इस रिलेशनशिप से। आपको ऐसा लगता है कि मानो ये पागल कर देगा इंसान, और मैं खुद पागल हो रही हूँ यहाँ पर आपकी, तो मैं सोच रही हूँ इतने टाइम से आपकी वो एनर्जी है, आप पता नहीं कितने टाइम से पागल हो रहे होंगे। आपके पार्टनर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ऑब्स्टेकल ये है कि वो आपके साथ बिताए हर समय को याद करते हैं, लेकिन जब वो आपके पास होते हैं तो वो कहीं डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं।
उनकी ज़िंदगी में और दूसरे काम या दूसरे की तरफ वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। अब ये डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी ही है, ये डिस्ट्रैक्शन ऐसा भी है कि इनके करियर और इनके गोल्स, इनके लाइफ में पैसे, इनकी लाइफ की और दूसरी चीज़ों पे ये डिस्ट्रैक्टेड है। ये अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे फैसले करना चाहते हैं जिसमें ये फ्यूचर में सिक्योर रहे आपके साथ, बट ये आपके साथ दूसरों को भी मैनेज करना चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं कि देखो यार, एक पल लगता है कि इस व्यक्ति के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मानो ये व्यक्ति आपके लिए लड़ मर जाए, इस तरीके की पर्सनालिटी है। इतना प्यार, इतना जुनून कि क्या ही बताऊं। लेकिन अगले पल मानो आपके पार्टनर पूरी तरह अपने काम में, अपने दूसरी जगहों पे डिस्ट्रैक्टेड है। बोलते आदत ही अलग, आदत अलग है, बिहेवियर अलग है, पैटर्न अलग है, बेवकूफ़ बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जब इस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो तो रहो ना फिर इसके साथ, फिर इसे क्यों उलझा रहे हो। आप दोनों के रिलेशनशिप में कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आप में दोनों में से कोई एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज है, ये ट्रस्ट इश्यूज आपके हैं या इनके हैं। दोनों एक दूसरे पे भरोसा या तो नहीं कर पा रहे हो, या दोनों एक दूसरे के साथ फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी हो गई है। आप बहुत एक्सप्रेस कर रहे हो, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या वो बहुत एक्सप्रेस कर रहे हैं और आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे कम्युनिकेशन मिसिंग है आप दोनों के रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप को बहुत सारी कम्युनिकेशन चाहिए, इस रिलेशनशिप को बहुत बातें चाहिए, जहाँ पर एक दूसरे से बातें करके गिले शिकवे दूर होकर चीज़ें शुरू कर सकते हैं। बट इस रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, दोगलापन, बेवकूफियाँ, और दिखाते कुछ है करते कुछ है। आपके पार्टनर पूरी तरह से आपको उलझा के रखते हैं और इस उलझन में आप इतने बुरी तरह से फंस चुके हैं ना कि क्या ही बताएं, आपको खुद को जवाब नहीं मिलते। कई कई बार आप खुद समझ में नहीं आता आपको कि आपको करना क्या चाहिए। कई कई बार ऐसा हो चुका है कि आप तो थक ही जाते, कई कई बार तो टैरो रीडिंग्स देख देख के थक जाते हैं। अरे यार, कोई कंक्लूजन तो निकल ही नहीं रहा है यार। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाइक डेडिकेशन या क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, आपके लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो अपनी ज़िंदगी में हो सकता है कि या तो तीसरे व्यक्ति के कारण या इनके अपनी मेंटल ओवरथिंकिंग के कारण ये आपकी तरफ आना नहीं चाहते। आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपसे बात करना चाहते हैं, एक तरफ आपके लिए बात करने को तड़प रहे, पर दूसरे ही पल आपके मैसेजेस को या आपके कॉल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते। उफ़, मैं क्या कहूँ यार, प्लीज़ मुझे मत दोष दो, ये तुम्हारे पार्टनर की कन्फ्यूज़ एनर्जी है। आपके लिए इनके अंदर पागलपन, पैशन, मन की लाइक ऐसा लग रहा है कि दीवानगी कह सकते हैं, क्रेज़ कह सकते हैं, पर अगले ही पल मानो इनको क्या हो जाता है, ये आपके पास होते हुए भी कहीं और ही भटके हुए नज़र आते हैं। एक्शंस की बात करूं, देखो इस रिलेशनशिप में ना नेक्स्ट 3 डेज़ में मुझे लस्ट ज़रूर दिखाई दे रहा है। लस्ट मतलब सेक्शुअल एक्टिविटी। अब ये लस्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि या तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत हैवीली अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको भी मैंने कहा ना, आप तो कोई स्पेल कास्ट कर रहे हो पक्का, कोई तंत्र विद्या, कोई ऐसी चीज़। या तो तंत्र विद्या तो इतनी आसानी से नहीं होगी, हो सकता है आप में से कुछ लोग अप्रोच कर पाए, लेकिन या रेमेडी या उपाय किसी तरीके से आप अपने पार्टनर को हासिल करने के लिए कुछ क्रियाएं तो ज़रूर कर रहे हो, या मे बी मैनिफेस्टेशन, जिससे वो आपकी तरफ आकर्षित महसूस कर रहे हैं। बट वो अभी भी आपको लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो अभी भी थर्ड पार्टी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अपने दिमाग में या मन में चला रहे हैं। कुछ हद तक बुरा मत मानना यार, सीधी सीधी बात, सच्चाई बताऊं, कुछ हद तक पता है ये जो कन्फ्यूज एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर बनी है ना, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे, उसमें आपका हाथ बहुत बड़ा है। ये जो आपने अगर कोई क्रियाएं कर ली हैं या मैनिफेस्टेशन की है, इससे क्या हो गया ना, उलझन पैदा हो गई है। जो डिसीजन उन्हें लेने चाहिए वो ले ही नहीं पा रहे हैं, उन्हें वो डिसीजन मेकिंग में ही प्रॉब्लम आ रही है। अब उनको ये प्रॉब्लम हो गई कि एक तरफ वो आपसे आकर्षित हो रहे, दूसरी तरफ वो कहीं और जाना चाहते हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उनको जाना कहाँ है। अब कुछ टाइम कुछ केसेस में ऐसा हो गया कि दोनों तरफ से, अगर आपने इधर स्पेल किया उस व्यक्ति ने भी स्पेल कर दिया है, आपने इधर ब्लैक मैजिक किया उस व्यक्ति ने भी ब्लैक मैजिक कर दिया, दोनों तरफ से हो चुका है। और यहाँ पर क्या हो गया, सत्यानाश ये हो गया कि बंदे का दिमाग ही घूम गया है। अब बंदा या बंदी जो है वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, अब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उनको करना क्या है, क्योंकि एक तरफ आप उनको खींच रहे हो, एक तरफ वो उनको खींच रहे हैं। ये कुछ ऐसा है कि दो माएँ हैं, एक बच्चा है, एक तरफ से एक हाथ खींच रहा है, एक तरफ एक हाथ खींच रहा है, कोई छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, पर बच्चे के हाथ में दर्द होना शुरू हो चुका है। बच्चा यहाँ दर्द से कर रहा है, बट यहाँ पर दोनों ही जिद में हैं। एक को तो हाथ छोड़ना पड़ेगा, किसी एक को तो हाथ छोड़ना पड़ जाएगा। अब वो मैं ये नहीं कह रही कि आप ही छोड़ोगे, मेरा ये मानना है कि आपके रिलेशनशिप में जब आपको अपने रिश्ते पे पूरा यकीन होता है ना, आपका पागलपन बोलते हैं ना, कभी कभी प्यार जो होता है ना आपके अंदर, वो होता है ना कि यार मेरा प्यार सच्चा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, कसम से। स्पेशली अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस इंस्टाग्राम पे देखे हो तो मैंने उसमें डाला है
कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, तो याद रखना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्रिया, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल नहीं करना पड़ेगा, आपके पार्टनर खुद होकर चीजें ठीक करेंगे। लेकिन बस आपको इस रिश्ते में आजादी महसूस करनी पड़ेगी कि यार ये रिश्ता मेरे लिए इतना कंफर्टेबल हो चुका है, मैं इस रिश्ते में इतनी इतनी कंफर्टेबल हो चुकी हूँ कि मुझे पता है कि मैं उसको रिलीज कर दूँ, क्योंकि घूम फिर के यार वो आना इधर ही है, वो उड़ेगा 10 जगहों पे उड़ेगा, ये पंछी बनकर 10 जगहों पे उड़ेगा, पर वापस ये अपने इसी घर में, इसी पिंजड़े में आएगा, क्योंकि इसको यहाँ वो कंफर्ट दिया गया है। तो वो एक एहसास होता है, पर आपके अंदर पता है कैसा है ना कि यार कुछ लोग ऑफेंड हो जाओगे, पर सच्चाई है बोलने की आदत है, बहुत मुँह फटू मैं दीदी को बहुत समय से, आप लोग जानते हो बहुत ही बिंदास बोलने वाली पर्सनैलिटी, आप में से कुछ लोग ऐसे हो गए कि जिद है ये रिलेशनशिप, अब आपकी जिद है, ये रिश्ता आपकी जिद बन चुका है, ये रिश्ता आपके लिए सब कुछ है, ये रिश्ता आपके ज़िंदगी के जीने का जरिया है, कि भाई अगर ये रिश्ता नहीं होगा तो आप जियोगे ही नहीं, आप इसके लिए, इस व्यक्ति के बिना जी नहीं सकते, आप इस व्यक्ति के बिना पागल हो जाओगे, इस तरीके की स्थिति बन रही है कि भाई नहीं, आप इसको भूल नहीं सकते, आप इसको भूलना चाहते ही नहीं हो, आप मूव ऑन नहीं कर सकते, आप हार नहीं मान सकते। और इसके कारण क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि उनको चाहिए कौन, उनको रिलीज किसको करना है, इसको पकड़े, वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो इतना बुरी तरह से फंस चुके हैं कि उनको लग रहा है कि मैं क्या करूं, उनको अपनी रिलेशनशिप, अपनी ज़िंदगी, अपने आप से ही परेशान हो चुके हैं, वो अपने आप में ही एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो आपके साथ समय बिताते हुए भी वो कहीं ना कहीं और बहुत ही अलग मंथन, ओवर थिंकिंग, सोसाइटी, लोग, फैमिली, सबका सोच विचार करके दिमाग खराब करते हैं अपना। नेक्स्ट 3 डेज में मुझे यहाँ पर लस्ट दिख रहा है, फिजिकल एक्टिविटी जरूर दिख रही है, आप जीतते हुए दिख रहे हो, फ्रेंकली स्पीकिंग आप जीतते हुए दिख रहे हो, जीत हो रही है आपकी, आप एक्साइटेड हो, आप हैप्पी हो, बहुत खुश हो, जो चाहिए वो मिल रहा है, बट आपके पार्टनर पूरी तरह पागल हो रहे हैं, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में उनको चाहिए क्या, क्योंकि वो आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, पर दूसरे पल वो आपसे दूर भागना चाहते हैं, मानो कि वो अपने आप पे, अपनी ज़िंदगी पे एक पॉज लेना चाहते हैं और अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट बहुत अलग चल रहा है। यूनिवर्स, मुझे पता है मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, मैंने पाइल 1 में गाइडेंस नहीं निकाली, पर पाइल 2 के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पता है मुझे पाइल टू थोड़ी सी भटकी हुई महसूस हुई है, रास्ता भटक गई है और जो सही लग रहा है, साम दाम दंड भेद सब सही लग रहा है, आप लोगों की सिचुएशन में ऐसा हो चुका है कि पता है प्रॉब्लम क्या हो गई ना, आपको ऐसा लगने लगा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपको लगता है आपके साथ चीज़ें गलत हुई और इस चीज़ को ठीक करने का कार्य आप ही का है, आप ठीक करोगे, भगवान नहीं, आपको ठीक करना है, इस चीज़ को ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आप ठीक करना चाहते हो, और इसी के कारण क्या हो रहा है ना कि आपने भगवान से इतना जस्टिस 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 किया है ना कि मेंटली आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो इसके चक्कर में। सिचुएशन अच्छी है आपके रिलेशनशिप में, सिचुएशन मेरे को आपकी बेहतर दिख रही है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, रिलेशनशिप में आप वो सब चीज़ें हासिल कर रहे हो जो आपको चाहिए, सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, जो भी चाहिए इस रिलेशनशिप में, एक्शन भी अगर मैं बोलूँ तो मुझे लस्ट दिखा है, तो फिजिकल टॉक, इंटीमेसी ज़रूर दिखी है, बट इस रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग ना प्यार मिस हो गया है यहाँ पर ना, क्योंकि जो कार्ड्स और एनर्जीज मैं देख रही हूँ ना, मुझे वहाँ प्यार कहीं गायब ही नजर आया, ऐसा लगा प्यार नहीं है, पागलपन, एक तरफ पागलपन देख रही हूँ और दूसरी तरफ आकर्षण देख रही हूँ, लेकिन प्यार गायब, प्यार जैसे वैनिश हो गया है, वो प्यार और वो जो अपनापन जो शुरू में महसूस किया ना इस रिश्ते ने, वो जैसे मिसिंग है इस रिश्ते में। यूनिवर्स मुझे बताए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ, मतलब अपने जीवन की जिंदगी, अपने जीवन पे फोकस करो, ये मत सोचो कि यार आपके जीवन में आप किसी और के होने से आपकी वजूद बनती है, यानी कि काफ़ी लोगों के अब बहुत बड़े वाले वर्ड्स यूज किए हैं, आपको ये लगता है कि इस फलाना व्यक्ति से आपकी ज़िंदगी चलती है, आपको लगता है इसके देखने से आपकी ज़िंदगी में आप देख पाते हो, इसके मुस्कुराने से आप मुस्कुरा पाते हो, आपने उसको अपने जीवन की चाबी मान लिया है, उस चाबी को आपको निकाल कर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये मानेंगे कि दूसरा व्यक्ति आपको चला रहा है, तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप अपने जीवन में डिसीजन ले लेंगे कि नहीं यार मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मैं खुद को खुद संभाल सकती हूँ या संभाल सकता हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, अगर मेरा है तो मुझे मिलेगा, तब जाके वो जीवन में आपके लिए सिचुएशन खुद बनेगी, वो स्थिति बनेगी जहाँ पर जीत आपकी बन जाएगी। लेकिन अगर आपके इंटेंशंस गलत होंगे तो इस समय तो चीज़ें बेहतर होंगी लेकिन बाद में तकलीफ देती हैं, ठीक है।
दीदी बहुत कड़वा बोलती है लेकिन काम की चीज़ बोलती है, एकदम सही सरल शब्दों में समझा रही हूँ। आपके रिलेशनशिप में आपको जो चाहिए वो मिलेगा ज़रूर, वो आने वाले समय में स्थिति बन रही है जिससे आप बहुत खुश भी हो, एक्साइटेड भी हो, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि हैपनिंग सिचुएशन बन रही है, फिजिकल इंटीमेसी भी दिख रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पार्टनर क्लियर नहीं हो पा रहे, तो आपको उनको थोड़ी सी आज़ादी देनी पड़ेगी, उनको सोचने विचार करने का समय देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा वो वक्त कि जिसमें वो रियलाइज़ करें कि आप उनके लिए कितने महत्व रखते हैं, क्योंकि उनको प्यार का एहसास होना ज़रूरी है, उन्हें रियलाइज़ कराना ज़रूरी है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। इनके साथ छल, कपट, मैनिपुलेशन ये सब चीज़ें वर्क नहीं करने वाली, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए वर्क करेंगे और बाद में एट दी एंड आपको परेशानी हो जाएगी, आपको लगेगा अरे आप चीज़ कोई काम नहीं कर रही है। हाँ, अगर आप थर्ड पार्टी को धूल चकाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आप सक्षम होंगे, उसमें आप जीत जाएंगे। यूनिवर्स कह रही है कि तुम्हारे एक्शंस डिसाइड करेंगे तुम्हारे लाइफ और तुम्हारे रिलेशनशिप की सिचुएशन, ठीक है। और थोड़ा सा खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो, हो सके तो यार, हो सके तो, अब मेरे पास तो है यार, मैं अभी बता दूं तो तुम लोगों को प्रमोशन लगेगा, मैं तुम लोगों को क्लियरली बोलूं, हो सके तो ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहो। अगर आपको लग रहा है आप पे किसी प्रकार की ऐसी क्रियाएं हुई हैं जिससे आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, सर दर्द, बाल का झड़ना और अंदर से एग्जॉशन, मेंटली डिप्रेशन, एनजाइटी, तकलीफ़, पेन और एक अजीब सी एनर्जी, एक बहुत ही गंदी वाइब अगर आसपास फील होती है, अगर खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो यार ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन यार मैं अभी उपाय इसलिए नहीं बता रही हूँ, रीज़न ये है, मैं उपाय अलग से मैं डाल दूंगी एक वीडियो शॉर्ट्स में या इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूंगी। उपाय तो ऐसे मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि क्या हो रहा है ना, मैं हर वीडियो में अलग अलग मेरे को उपाय देने में इरिटेशन लगता है, क्योंकि फिर बाद में अलग से लोग पूछने लगते हैं कि इसका उपाय, मैं अलग अलग उपाय नहीं दे सकती हूँ, मैं उसकी अलग एक वीडियो बनाकर सेपरेटली पोस्ट कर दूंगी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं एक ही चीज़ आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ, आप लोग ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी ये ब्रेसलेट का प्रचार लगेगा लेकिन भाई अभी आप लोगों की सोच है, मेरे पास है, मैं ये पहनती रहती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था मेरे पास अलग अलग प्रकार के बहुत सारी ब्रेसलेट्स हैं, नहीं मैं सेल नहीं करती, फ्रैंकली स्पीकिंग यार प्लीज़ समझो मैं नहीं सेल करती, आप में से काफ़ी लोग यार मुझे मैसेज करते हो, मुझे मत मैसेज करो, नंबर दिया गया अमित सर का, आप उनको मैसेज करो, ये वो बनाते हैं, मतलब ये इनका डिज़ाइन होता है, मेरा डिज़ाइन नहीं है ये, मैं सिर्फ उनको यहाँ पर इसीलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे उनका लाइक बोलते ना एक विश्वास है कि यार ये बंदा जो ये चीज़ सही दे रहा है, बराबर दे रहा है, मुझे ट्रस्ट है, क्योंकि उसे पहनते ही मैंने बहुत सारे चेंजेस अपनी ज़िंदगी में महसूस किए हैं, मैंने ऐसे पावरफुल एनर्जीज़ को महसूस किया जो मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ के मैं रीच नहीं कर पा रही थी, दिस इज़ द ओनली रीज़न मैंने आप लोगों को उनका नंबर सजेस्ट किया जिसको मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। अब जिस व्यक्ति को मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, जिनके ब्रेसलेट्स मैंने कभी वेयर नहीं किए, तो मैं उनको आपको कैसे प्रमोट कर दूँ, राइट। तो ये एक काइंड ऑफ ऐसे गुड डीड के हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो यार ये ब्लैक मैजिक, या अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप पे कोई काली एक्टिविटी या काली चीज़ें आपके ऊपर की गई है, बल्कि आपने नहीं किया पर आपके ऊपर की हैं, या कोई तरीके का नज़र दोष आपको लग चुका है, तो यार ये ब्रेसलेट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आप ऐसा बनवा सकते हैं, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्लिक कर लो, एक मिनट, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ, ये ऐसा लाइक ऐसे चाहिए जैसे चाहिए आप पहन सकते हो उसको, ठीक है। ये ब्लैक मैजिक और काला और नज़र के लिए होता है, आप जैसे चाहिए इसको पहन सकते हो, या आपको कुछ चेंजेस करवाने हैं जैसे ये निकलवाना है तो आप निकलवा सकते हो, इट्स अप टू यू, आपको जैसे सही लगे वो आपको आप बना कर देते हैं, आपको बस उनको बताना रहता है कि आपको ये चीज़ चाहिए, ठीक है। नंबर उनका मैंने शेयर किया व्हाट्सअप का, आप उनको व्हाट्सअप करें, आप वीडियो पे नंबर है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो यार याद रखना दिवाली के 3-4 दिन अब मैंने बंद रखी है, पर्सनल रीडिंग जो है शुरू करेंगे 27 या 28 तारीख को, ठीक है। अगर आप लोगों को इवन ब्लैक मैजिक भी चेक करवाना रहता है तो भी सबके चार्जेस सेम ही रहते हैं, आप कोटेशन जब चेक करेंगे 28 या 27 तारीख के बाद बुकिंग शुरू होगी तो डीपी पे हम लोग प्राइस डाल देंगे व्हाट्सएप की डीपी पे, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, उस अनुसार आप बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर मनी अबंडेंस के लिए तो ये ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। मैं उपाय ज़रूर शेयर करूंगी ब्लैक मैजिक तोड़ने के लिए आने वाले समय में, बट फिलहाल ब्लैक मैजिक के लिए जो शॉर्टकट मुझे लगा वो ये था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप उनको कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं। बाकी मैं उपाय अलग से डाल दूंगी, क्योंकि क्या हो गया ना, मैंने पहले भी बहुत सारे अपने ब्लैक मैजिक वाले वीडियोस में बताए थे उपाय, लेकिन काफ़ी लोग फिर भी पूछते हैं कि और उपाय क्या बताओ दीदी, उपाय बताओ, तो ऐसा होता है कि कुछ वीडियोस वो लोग देख ही नहीं रहे, कुछ लोग देख नहीं रहे, कुछ लोग का कुछ रहता है, तो इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि उपाय के लिए मैं पहले से सेपरेट एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, जो ब्लैक मैजिक कैसे तोड़ना है या नज़र दोष कैसे तोड़ना है। बट फिलहाल के लिए मुझे मैसेज करने से बेहतर, या मुझे बोलते ना कुछ भी अप्रोच करने से बेहतर, आप ब्रेसलेट बनवा लो, वो ज़्यादा रहेगा, वो आपकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और
एक चीज कंफर्म कर लेना, देखो मुझे नहीं पता इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ खुलकर भले, क्योंकि देखो अमित सर की एक टीम रहती है जो आप लोग के लिए काम करती है, उसमें फीमेल मेल सब होते हैं। खुलकर आप उनसे पूछ लेना, बिकॉज इस बारे में मुझे भी नहीं पता, मेरे को भी पूछना पड़ेगा कि ये ब्लैक मैजिक का ब्रेसलेट क्या आप मेंसेस में पहन सकते हैं, वो आप उनसे पूछिए, मुझे नहीं पता, कसम से बोल रही हूँ मुझे नहीं पता। आप उनको पूछ सकते हैं कि ब्रेसलेट, क्योंकि आमतौर पर सारे स्पिरिचुअल ब्रेसलेट हम पहन लेते हैं ठीक है, पर ये ब्लैक मैजिक वाला पूछ लेना कि वो आपको पहनना चाहिए या नज़र दोष वाला पहनना चाहिए कि नहीं, वो एक बार आप कन्फर्म कर लेना अगर आप एक फीमेल हैं तो ठीक है। सो अभी के लिए मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बहुत लंबी सी रीडिंग बनाई पर मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की, उम्मीद करती हूँ क्लैरिटी मिली होगी। अगर रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपका दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यस अपना ध्यान रखें और हैप्पी दिवाली यार, इसे ऑस्पिशियस रखना, पॉजिटिव रखना, सब चीज़ें आपके हित में होगी। अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं सब चीज़ें अच्छी होंगी, ट्रस्ट मी। और मुझे लगता है कि आपके अंदर एक प्योर माइंडसेट है, जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, बस सही जगह पे उसका उपयोग करना, देखना बहुत काम आएगा आपके लिए। ओके तो अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।